सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक का सर मुड़ाकर मुंह में कालिक पोत कर एक व्यक्ति द्वारा लात घूसों से एक युवक की पिटाई की जा रही है। यह वीडियो गढ़वाड़ थाना क्षेत्र का 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के तद्दीपुर गांव का है। यह व्यक्ति पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त भी था। पिटाई करने वाला और मार खाने वाला युवक दोनों आपस में पट्टीदार हैं। मार खाने वाले युवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मार खाने वाले युवक के परिजन की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। गढ़वाड़ थाने में एक मामला सामने आया जिसमें एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक के मुंह पे काली पोत कर उसको घुमाया जा रहा है और उसके साथ मारपीट किया है। क्या पूरा मामला है और पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया? देखिए, थाना गढ़वाड़ के अंतर्गत तद्दीपुर गांव पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति है जो पॉक्सो का अभियुक्त भी था और इसमें दोनों पट्टीदार हैं। उसमें गाँव वाले इसके परिजनों ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ने इसी ने ही छेड़खानी की थी, तो तत्काल इसके परिजनों ने लेकर थाने में दिया और इसकी तरफ से अभियुक्त को गिरफ्तार कर डॉक्टरी कराकर न्यायालय चालान किया गया तथा इसकी तरफ से भी माता की तरफ से भी इसकी तहरीर मारपिटाई की मिली है। उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित अभियोग धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ इस मामले में? अभी इस मामले में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।